आई हूँ। अभी 1:15 हो चुका है, तो अभी राइस मेरा हो चुका है। मैं सब्जी बनाऊंगी, आज बनेगा चिकन। चिकन कौसा बनाऊंगी और राइस, दाल नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, काम कर रही थी इतना देर तक। और सुन पा रहे हैं ना, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे सभी व्यूअर्स को। और आज है 15 तारीख, तो और नया क्या बताना। चलो मैं खाना बनाने लगती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, ऑलरेडी लेट हो चुका है। गर्मी से अभी नहा के आई हूँ, लेकिन अभी पसीना पसीना हो गया है। नहा के आई हूँ, आने के बाद कपड़ा वपड़ा जो था धो दिया है। यहाँ पर माइक पर गाना बज रहा है। अभी 1:20 हो चुका है। चलो मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। वैसे मेरा घर का काम हो चुका है, सिर्फ चिकन बनाऊंगी, बस ख़त्म हो जाएगा मेरा खाना बनना। तो जैसे कि सुबह आपने देखा था, मेरे एक पार्सल आ गया है। तो चलिए पार्सल को सुमित के हाथ से मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ और देखते हैं ये वाले पार्सल में क्या है और क्या मैंने ऑर्डर किया है। और इसमें ना मैं खाना भी बनाने वाली हूँ आज शाम, कुछ लजीजदार कुछ बनाने वाली हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगी। उतना डिटेल से नहीं, लेकिन शेयर करूँगी। तो चलो देख लीजिए मेरा पार्सल में क्या है। और ये बहुत ही किचन का बहुत ही ज़रूरी सामान है, तो चलिए देख लेते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। Around you everything's a mess, putting me through so much stress, thinking you're the one. You make me feel so controlled, when I'm with you I get cold, part of me is done. Sweet talker, no shocker, I can handle the ups and the downs. Fake trader, see you later, why does this have to happen right now? Treat me like I don't matter, when we talk we just shatter, because you always win. मोमो मैंने स्टीम पे बैठाया है, ये दूसरी लॉट है। और इधर मैं चटनी को थोड़ा सा चटनी बनाने के लिए आई हूँ, सेजवान सॉस। और मोमो स्टफिंग का थोड़ा सा आटा बच गया था, वो इधर मैं रोटी बना ले रही हूँ।
टमाटर और लाल मिर्च और टमाटर को मैंने बॉईल करके हल्का सा नमक देकर पेस्ट बना लिया है। अब इसमें डाल दूंगी। अभी रात के 1 बज रहे हैं और सुमित को एक कॉल आया है, उसका जो जिसको पैसेंजर बोलते हैं, जो उसका नानी का कुछ हुआ है ना बाबू, नानी का कुछ हुआ है तो वॉल से हॉस्पिटल में है, तो उधर ही जा रहे हैं। क्या हुआ उतना मुझे डिटेल से पता नहीं, जितना फ़ोन करके बोला कि तुम आ सकते तो आ जाओ। और मेरा देखिए, मैंने कोम्ब वोम करके हेयर फेयर बांध के सो गई थी और डिनर में आज कुछ भी नहीं खाया, मोमो खाया था शाम के वक्त, वो खा कर भी सो गए थे। और चिकन कौशा राइस जो है सब फ्रिज में अंदर कर दिया, फ्रिज के अंदर। अच्छा तो दाओ खाने ढुकिए दो, आवा रात के तुलबे। रात के 1 बज रहे हैं और सुमित बहुत डरपोक है, मुझे इस जगह पर खड़ा रहना पड़ता है और जब तक ना ये पूरा रोड क्रॉस करके चला जाता है तब तक मुझे खड़ा रहना पड़ता है। चलो बाय। बहुत डरपोक है, बहुत डरता है डॉगी से। ফোন করবো আমি একটু বাদে, কেন ওরা ফোন করবে তো বারবার, আমি এখন করছি না, ভয় পেলে ফোন করবে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তো ফ্রেন্ড, কাল রাত কো সুমিত আয়া থা 2:45 বাজে ঘর হসপিটাল সে, এক প্যাসেঞ্জার হ্যায় বহুত আচ্ছা প্যাসেঞ্জার হ্যায়। तो उनका नानी का कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था तो उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए गए थे, तो उनका जो घर का परिवार है घर नहीं आ पा रहा था, तो इसीलिए उसने रात को कॉल किया था कि तुम आ सकते हो, तो मेरे घर का परिवार कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए सुमित गए थे रात के 1 बजे। फिर घर आए 2:45 बजे। फिर वो जब घर आए ना बाबू नहीं सॉरी फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, मैं सो नहीं पाई पूरा रात, में उसके बारे में सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं, भगवान उनको ठीक कर दो, ऐसे ऐसे सोचते ना। फिर कुछ भी ऐसा कुछ घटना होता है ना तो मुझे सडनली प्रीति के बारे में याद आना स्टार्ट हो जाता है। फिर पूरी रात में सो नहीं पाई, 4:45 बजे सुमित ने मेरा ऐसे ऐसे करके पूरे सिर में हाथ फैला दिया, उसके बाद जाकर मुझे नींद आया। फिर सुमित का टोटो, फिर से उसका वायर का जो है ना शॉर्ट सर्किट हो गया था, नींद के मारे में उसने गलती चार्ज पे लगा दिया उल्टा पुल्टा, तो शॉर्ट सर्किट हो ब्लास्ट हो गया। फिर मॉर्निंग के टाइम उठना पड़ा क्योंकि उसको दुकान में देना पड़ेगा 4 बजे, क्योंकि उस दुकान में ना इतना अर्ली मॉर्निंग अगर ना जाकर लाइन ना दे पाए ना तो पूरा दिन उसका बेकार जाता है। फिर उठ के देखा 2 गाड़ी ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो अगर वो जाएगा फिर उसको जाते जाते ना 4 नंबर में वो आ जाएगा, तो 4 नंबर अगर होता है तो पूरा दिन लॉस हो जाएगा। तो वो अभी बोला कि बाबू अभी देखो लॉस तो हो ही जाएगा, तो जितना चार्ज है उतना मैं चार्ज लेकर ही मैं भाड़ा खट लूँगी, उसके बाद चार्ज जब ख़त्म हो जाएगा फिर दुकान में दे के आ जाएंगे, फिर सारा ठीक कर लेंगे। तो यही सब प्लान किया। फिर पूरी रात तो मैं सो नहीं पाई, 4:45 या 4 बज गए करीब शायद, मेरा थोड़ा सा आग लगा था तो उसको इस वजह से उठना पड़ा। सुमित का भी नींद नहीं हुआ है और अभी इतना मेरा सिर पूरा भारी हो रहा है, इतना मेरा सिर मेरा भारी हो रहा है, इतना सर दुख रहा है, क्या बताऊँ। मैं सुबह के 5:30 बजे मुझे साइरडॉन खाना पड़ा, सुमित ने मुझे ढूंढ के दिया, इतना सिर दर्द हो रहा था। फिर उस साइरडॉन खा के भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तो मैं उठी हूँ, अभी सोई थी लेटे सी, नींद नहीं आया है लेकिन लेटी थी। अभी 9:45 बज रहे हैं इस टाइम पे और उस बीच में बाहर से शोर का आवाज़ आया,
क्या हुआ, कल रात को सांप घुस गया था हम लोग का जो एडजस्टर का जो घर है ना, चालाघर बोलते हैं, उधर सांप घुस गया है। तो मेरे फादर इन लोग सभी सामान बाहर निकाल रहे हैं, उसका पीछे भी टाइम जाने वाला है। तो इस तरह से पूरा दिन मेरा गया। और हाँ ये बता दूँ फ्रेंड के कल मोमोस, नया मोमो स्टीमर में मोमो स्टीम किया था, बहुत अच्छा हुआ था। और मोमो थोड़ा सा वाइट येलो स्टोन क्यों आ गया पता है, उसमें मैदे के साथ आटा मैंने पाइल कर दिया था गलती से, तो इसीलिए मोमो वाइट के जगह ना थोड़ा सा आटा जैसा दिखना स्टार्ट हो गया। तो कुछ कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट वैसा ही था, चिकन मोमो बनाया था कल। और चलो मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। फिर आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबने इन्जॉय किया, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलती हूँ और एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।